हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में मैं डेल वॉस्ट्रो 3478 लैपटॉप के बारे में एक लॉन्ग टर्म रिव्यू देने वाला हूँ। तो ये लैपटॉप ख़रीदे हुए मुझे 6 महीने के आसपास हो चुका है। इसका रिव्यू मैंने डाला हुआ है मेरे चैनल में, और यहाँ पर जब मैंने ख़रीदा था मुझे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस था, क्योंकि यहाँ पर आपको इंटेल का i5 8th जनरेशन वाला प्रोसेसर मिलता है, और इसमें 4 GB का रैम मिलता है, 1 TB का हार्ड डिस्क मिलता है, और 2 GB का ग्राफिक्स कार्ड मिलता है। और ये मैंने 35,000 में ख़रीदा था फ्लिपकार्ट से। तो ये जो लैपटॉप है मैंने Ubuntu वाला वेरिएंट ख़रीदा था। इसका जो विंडोज़ का वेरिएंट भी आता है उसको लगभग 7,000 ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक जेन्यून विंडोज़ आता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक Ubuntu वाला ही लैपटॉप ख़रीदूँ, तो बाद में मैं विंडोज़ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो यहाँ पर 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक ये विंडोज़ मतलब कि डेल वॉस्ट्रो 3478 आराम से चल रहा था। उसके बाद परफॉर्मेंस में बहुत ही लैग आना शुरू हो गया, क्योंकि यहाँ पर बूटिंग टाइम लगभग 40 to 50 सेकेंड्स लेता था विंडोज़ 10 बूट होने के लिए। और वहीं पर अगर मैं क्रोम को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर लगभग 40 सेकेंड्स लग जाता है क्रोम को ओपन होने के लिए, और कभी कभी क्रोम क्रैश भी हो जाता है। तो आप अमेज़ोन या फ्लिपकार्ट में जाके डेल वॉस्ट्रो 3478 सर्च करते हैं तो नीचे रिव्यूज़ में देख सकते हैं आप कि ये लैपटॉप कितना स्लो है, कितना हैंग करता है, ये सब लिखा हुआ है, वेस्ट ऑफ मनी है, ये सब लिखा हुआ है। तो ये जो जो कमेंट्स लिखा हुआ है वो 100% करेक्ट है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है इस लैपटॉप के साथ। बहुत ज़्यादा रिसर्च किया कि क्यों ये लैपटॉप इतना ज़्यादा स्लो होता है, तो मुझे एक जवाब मिला कि यहाँ पर जो भी HDD इंस्टॉल किया जाता है लैपटॉप में वो बहुत ही स्लो होता है। तो स्लो होने की वजह से इसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत ज़्यादा स्लो हो जाता है। प्रोग्राम्स, गेम्स, कुछ भी हो जाए बहुत ही स्लो ओपन होता है, और बूटअप टाइम भी बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक SSD ख़रीद लूँ और इसमें एक SSD लगा दूँ, क्योंकि मैं कभी DVD यूज़ नहीं करता यहाँ पर। तो मैं इससे एक कैडी भी मैंने ऑर्डर किया और एक SSD भी मैंने ऑर्डर किया किंगस्टन का, क्योंकि किंगस्टन का 120 GB का। और अगर आपका बजट ज़्यादा है तो आप सैमसंग ईवो के साथ जा सकते हैं, और अगर आप गेम्स या सॉफ्टवेयर थोड़ा ज़्यादा इंस्टॉल करते हैं तो आप 240 या 500 GB का SSD के साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा ये पर्सनल रिकमेंडेशन होगा आप सैमसंग ईवो के साथ जाइए, क्योंकि उसका परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है कंपेयर टू एनी अदर SSDs। तो यहाँ पर मैंने किंगस्टन का 120 GB का SSD ख़रीदा, एक कैडी भी ख़रीदा, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने कैडी में SSD लगा के यहाँ पर मैंने इंस्टॉल कर दिया। इंस्टॉल करने के बाद ये जो डेल वॉस्ट्रो 3478 है एक डिफरेंट कंप्यूटर मतलब कि एक डिफरेंट लैपटॉप हो गया, क्योंकि इसका स्पीड बहुत ही बढ़ गया, बूटिंग टाइम बहुत ही फास्ट हो गया, क्रोम अभी क्रैश नहीं होता है। क्रोम अभी लगभग 3 सेकेंड ही ले रहा है ओपन होने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दिखाई देता हूँ, देख सकते हैं 1 2 3, देख सकते हैं यहाँ पर कितना जल्दी ओपन हो जा रहा है। वैसे कंप्यूटर का परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा हो चुका है, आप देख सकते हो कितना अच्छा परफॉर्मेंस हो चुका है। तो पर अगर आपके पास एक HDD वाला लैपटॉप है और अगर आपके लैपटॉप बहुत ही स्लो है, आप जल्दी के जल्दी जाइए, एक SSD अपग्रेड कीजिए, एक कैडी खरीदिए, तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही डिफरेंस मिलेगा। आप बता ही नहीं पाएंगे कि आप ये इतना स्लो कंप्यूटर इतने साल तक यूज़ कर रहे थे, को एक फीलिंग आएगा आप एक टोटली एक डिफरेंट लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि उतना ज़्यादा स्पीड आपका लैपटॉप का बढ़ जाएगा SSD इंस्टॉल करने के बाद। एक फ्रेश इंस्टॉल विंडोज़ 10 SSD में कीजिए, और आपका HDD वहाँ का वहाँ ही रहने दीजिए, वहाँ पर आप वीडियोज़ पिक्चर्स सब डाल सकते हैं। तो SSD इंस्टॉल करने के बाद एक फ्रेश इंस्टॉल कीजिए विंडोज़ 10 का या Ubuntu का SSD में, और परफॉर्मेंस में चेंज देखिए। और HDD में अगर आप ये जो HDD एक TB का HDD के साथ जो आता है उसमें आप मूवीज़ पिक्चर्स सब डाल सकते हैं, तो उसमें कुछ परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं आएगा,
पिक्चर्स सब बहुत ही स्लो ओपन होता था। अब अगर आपके पास डेल 3478 है तो आपको पता ही होगा, जो जो फ़ोटोज़ मैं ओपन करता हूँ तो बहुत ही स्लो ओपन होता था, अभी इंस्टेंटली ओपन हो जाता है। अगर आपका लैपटॉप स्लो है तो रैम अपग्रेड करने से पहले SSD लगाइए आपके लैपटॉप में, आपको परफॉर्मेंस में बहुत ही चेंज मिलेगा। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।